वालेकुम जनाब किसान भाइयों के लिए ये एक बहुत ही पपीते की फ़सल जो है ना बहुत ही मुनाफा बख्श है ये देखें ये चार साल तक फ़सल देता है पपीता इसको चौथे साल में अभी ये और साथ ही जो है ना छोटे पौधे लगा दिए हैं आज दिसंबर की नौ तारीख है और ये देखें पौधे साथ छोटे लगा दिए हैं ऊपर शाफ़र लगा के ये पौधे नीचे जो है ना ये ग्रोथ कर रहे हैं ऊपर शाफ़र श्यापर डाल दिया है इनके छोटा सा सभी पौधों के ऊपर ये देखें शाफ़र डाला हुआ है और साथ साथ ये फल जो है सर्दियों में ग्रोथ पौधा करना काम कर देता है मगर फल जो है ना वो लगा रहता है साथ साथ तोड़ते रहते हैं और इसी तरह मुसलसल ये चार साल जो है ना लगातार जो फल देता है ये देख लें इस तरह के जो दाने हैं वो साथ तोड़ लेते हैं सर्दियों में भी और पांच छह दाने जो हैं वो एक शेल में पड़ते हैं और हज़ार बारह सौ रुपये का जो है ना वो शेल मार्केट में बिकता है ये देखें पौधा छोटा सा और इसको भी फल लगा हुआ है इसी तरह ये पौधे आखिरी मराहल में हैं चार साल हो गए हैं फल देते हुए इनको और आखिरी मराहल में हैं मई जून तक जब ये छोटे पौधे बड़े फल देना शुरू कर देंगे तो ये इन पौधों को जो है न वो काट दिया जाएगा तो छोटे पौधे जो है वो फल देना शुरू कर देंगे ये देखें बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है और ये भी देखें माशाल्लाह बहुत फल लगा है इस तरह के फलदार पपीते के पौधे लेडीज़ हाइब्रिड हासिल करने के लिए ये अंदर से सुरख होता है ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा है ये ये पपीता ये पपीते पाँच या छः सिर्फ़ एक शैल में पड़ते हैं तो इस तरह के पौधे हासिल करने के लिए आप रब्ता कर सकते हैं ज़ीरो तीन सौ तेतीस बत्ती अठाई एक सौ चालीस अली नर्सी फारम पत्तों की अल्लाह हाफिज़ ये देखें साथ जो है ना पौधा ग्रोथ कर रहा है सर्दी में भी मगर ऊपर छापर जो है ना वो डाल दिया है छोटे छोटे छापर डाले हुए हैं ताकि ये सर्दी से बचे रहें जब तक फरवरी मार्च में नए पौधे लोगों ने लगाने हैं उतनी देर तक ये फल देना शुरू कर देंगे ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा पौधा हुआ है ये ग्रोथ करके बड़ा हुआ शापर है शापर ऊपर है इनके तो ये ज़िम्मेदार भाइयों के लिए बहुत ही एक तोहफ़ा है बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट देता है चार साल मुसलसल फ़सल देता है ये तो ये ज़िम्मेदार भाई ज़रूर लगाएँ अल्लाह हाफिज़